नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। फरुखाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला अस्पताल में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक के हेल्थ एटीएम मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने खुद की भी जांच की। ये मशीन 5 मिनट के अंदर 23 प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकती है। ये पूरी तरह से स्वचालित है। शहर के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पुणे से आई हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। इस मौके पर लगे हाथों डिप्टी सीएम ने उस मशीन से खुद की भी जांच कर पर्ची प्राप्त की। बता दें, ये हेल्थ एटीएम मशीन आम जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि ये बीपी शुगर सहित विभिन्न प्रकार की 23 अलग अलग बीमारियों की जांच मात्र 5 मिनट के अंदर कर देती है और एक पर्ची के माध्यम से उन सभी की रिपोर्ट भी निकाल देती है। ये मशीन पूर्ण रूप से स्वचालित है, कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं चला सकता है। इस मशीन को जिला अस्पताल लोहिया में लगाया गया है और आम जनता इसका पूर्णतः निःशुल्क इस्तेमाल करेगी। हेल्थ एटीएम मशीन के विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने विस्तृत जानकारी दी है। मशीन आई है जी। किस चीज की मशीन है और आपने अभी चेक कराया है? हेल्थ एटीएम मशीन है, इसमें किसी भी व्यक्ति का सारे टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर हीमोग्लोबिन, शुगर, हाइट, ब्लड बॉडी मास, हाइट वेट सब पूरा हो जाता है। मैंने खुद अपना कराया है, इससे बहुत अच्छी मशीन लगी। मैं चाहता हूँ इस मशीन का पूरी जनता, हरगावर की जनता लाभ उठाए। सर, ये कहाँ से आई है? ये पूना से आई है और हिंदुस्तान बायोटेक की मशीन है। तो सर, मतलब कितनी मशीनें आएंगी जिले में? फिलहाल तो एक आई है और हो सकता है भविष्य में भी और आएंगे हमारे पास, जैसे जैसे होता रहेगा मंगाते रहेंगे। मतलब टोटल सर चेकअप होते हैं? हाँ, फुल बॉडी चेकअप मैंने खुद अपना कराया है। स्ट्रीट पल्स के लिए फरुखाबाद से रविनंदन की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट पल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।